पर बात करेंगे केरला टी ट्रॉफी का लगातार देखोगे तीन चार मुकाबले जो बारिश की वजह से खेल नहीं हो पाया इनसे पहले लगातार दो तीन मुकाबले हम लोगों ने खेले थे और वो वन साइडेड हम लोगों ने विन किया था तो मेरे भाई उम्मीद करेंगे ये क्वालिफायर वन है यहाँ पर केरला टी का भी तो यहाँ क्वार्टर फाइनल है तो उम्मीद करेंगे यह मुकाबला जाए और इनसे पहले सीरीज़ देखा जाए काफ़ी अच्छा गया अब लगातार चार पाँच मुकाबले बारिश की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया वो अलग की बात है लेकिन एक बहुत ज़्यादा फुल रिस्की टीम में बनाने वाला और वो रिस्क टीम वर्क करना चाहिए आपको कम इन्वेस्ट करना और अधिक प्रॉफिट ले जाना है वैसी वाली टीम की ओर हम लोग चलने वाले हैं तो मेरे भाई अगर यदि आप इस मुकाबले को हमारे साथ खेलना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहां पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूं इनके अलावा जीएल का टीम पिच रिपोर्ट प्लेइंग लेवन यानी एक शानदार टीम बनाने में जितने चीजों की आवश्यकता होती है मेरे भाई सारा कुछ टेलीग्राम पर ही तो मैं देता हूं तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है जी हमारे भाई वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर वीडियो के फर्स्ट कमेंट जो होता है वहां पर लिंक होगा ब्लू कलर में सौरभ सामाजिक चौरासी उसी पे क्लिक यानी टच करोगे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल छप्पन पॉइंट तीन के सब्सक्राइबर वाले पे आओगे बिल्कुल फ्री का फायदा आप उठा कर ले जाओगे हर मैच का तो मेरे भाई कुल मिलाकर देखा जाए तो सी की टीम थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है सामने वाली टीम के खिलाफ के अनुसार देखा जाए एम सानू काफ़ी बढ़िया इनका भी बैटिंग देखोगे काफ़ी बढ़िया रहा करियर रिकॉर्ड अच्छा है इनके लिए वैशाख चंद्रन भाई काफ़ी ज़्यादा अनुभव है इनके पास और हो सके तो पार्ट टाइम गेंदबाजी भी ये कभी कभार कर जाता लेकिन रिसेंटली आठ से दस मुकाबले में अभी तक गेंदबाजी नहीं किया आर नायर की बात की जब भाई क्या कमाल का इनिंग खेला भाई शतक जड़ दिया गजब का इनिंग इन्होंने खेल के दिखाया कि क्यों इस मुकाबले में गेंदबाजों को मदद है लेकिन फिर भी बल्लेबाजी आसान हो सकता है इन्होंने करके दिखाया ग्यारह चौके छः छक्के की मदद से अर्जुन एके की बात कर विकेट कीपरिंग में ये बेस्ट चॉइस रहना चाहिए इडन एपल टोम केरला अंडर 19 टीम का हिस्सा रहा जहां पर गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों बढ़िया करके दिखाए यहां पर भी आप देख सकते हो बाकी यहाँ से देखो मेरे भाई गेंदबाजी भी वर्ग की बात के कमाल का रिकॉर्ड है चार ओवर कंप्लीट करेगा पावर प्ले में ही तीन ओवर डाल जाता है गोकुल गोपीनाथ डेथ का बेस्ट गेंदबाज माना जाता है इडेन एपल्टोम गजब का ये भी गेंदों को आगे रखते हैं साथ में बल्लेबाजी भी इनको आता है अमल रमेश की बात किया बहुत बढ़िया स्पिन गेंदबाज है इन्होंने चार ओवर में अट्ठारह रन देकर दो विकेटें ले गए अनुराग जेस ये भी एक स्पिन गेंदबाज है ये भी लगातार सीरीज में अच्छा कर रहे हैं इन्होंने भी दो विकेटे ले गए विष्णु टीम इनका भी रिकॉर्ड बहुत शानदार है लेकिन इनसे दो ही ओवर कराया गया चार ओवर हो सके तो कर सकता है अगर यदि सामने वाली टीम को पिटाई सॉरी सामने जो भी गेंदबाज है इनके पिटाई पड़ता है तो यहाँ से एस प्रसाद को अक्सर गेंदबाजी मिलता है और डेथ में ये डाल जाते हैं तो थोड़ा सा याद रखना पार्ट टाइम है लेकिन अच्छा खासा कर जाता है इनके अलावा दोस्तों तो इनसे पहले भी देखोगे सी की टीम का तो यहाँ से आप देख सकते हो पहले गेंदबाजी यहाँ पर किया फिर से गेंदबाजी काफ़ी गजब करा इडे ने पल्टोम तीन विकटे ले जाते कैप्टन साहब बीबी बर्गेज की बात किया दो विकटें अमल रमेश दो विकटे ले जाते इस प्रसाद को यहाँ पर चार ओवर करा जाता भाई और गेंदबाजी देखो मात्र बारह रन दिया सबसे बढ़िया इकोन इनका था है तो एक पार्ट टाइम गेंदबाज हालांकि बल्लेबाजी भी इनको आता है बल्लेबाजी में सब छोटा छोटा इनिंग खेल गया और टारगेट के लिए इतना ही छोटा इनिंग जरूरत था तो मेरे भाई यही बात करेंगे टीआरआई की टीम का तो टीआरआई की टीम यहां पर देख सकते हो अरुण के यहाँ पर तैतालीस अधिदेव टीजे इकहत्तर रिया बसीर की बात किया चौबीस तीनों के तीनों काफी कमाल का बल्लेबाज है

विनोद कुमार फास्ट गेंदबाजी करता है डेथ में भी आएगा पावर प्ले में भी आएगा और बल्लेबाजी करने भी अच्छा खासा आएगा सरफुद्दीन एन एम लास्ट के दो में से नहीं खेल रहे अगर यदि खेलता तो ये भी कैप्टन बी का तगड़ा च्वाइस है और इनके टीम की तरफ से अगर यदि ये खेलेगा तो कांटे की टक्कर हो सकता है इनके ना खेलने की वजह से इनकी टीम थोड़ी वीक नज़र आती है सिविन ग्रीस इनका करियर रिकॉर्ड लास्ट सीजन गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों का था इस सीजन थोड़ा गेंदबाजी कम कर रहे हैं आदित्य कृष्णा के की बात कही ये भी एक स्पिनर है हालांकि इनका फील्डिंग वैसे जगह पर रहते हैं जो हर मैच में एक केच रनआउट कुछ ना कुछ कर ही देते हैं किरण सागर चार ओवर कंप्लीट करता है और ठीक ठाक गेंदबाजी करता है लेकिन अक्सर ये अच्छी गेंदबाजी के बावजूद भी ज़्यादा विकेट नहीं ले पाते हैं अर्जुन वेणुगोपाल यहाँ पर करके दिखा बल्लेबाजी में देखो अधित देव टीजे पैंतीस का योगदान दिया पी श्रीधर विकेट कीपर में ये भी बढ़िया च्वाइस है लीन अरुण के ग्यारह का योगदान दिया लेकिन करियर रिकॉर्ड अच्छा है थोड़ा आक्रमक खेलता है तो मेरे भाई चलिए क्या हमारा रिस्की टीम होने वाला है उनके ऊपर आपको नजर डालना चाहिए बड़ा बड़ा रिस्क लेने वाला हूँ लॉजिकल रिस्क लूंगा लेकिन इससे पहले यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो लेनाटा पे मैसेज करो मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई देता हूँ वो भी शानदार तरीका से एक विकेट कीपर की बात किया तो ए अर्जुन को मैं यहाँ से पिक किया हूँ बल्लेबाज़ पर देखा जाए तो आर नायर को यहाँ से मैं पिक करने वाला हूँ बाकी यहाँ पे चलिए ऑलराउंडर पे चलते हैं तो मेरे भाई ऑलराउंडर सेक्शन में आया जाए तो वी कुमार को यहाँ से पिक करूँगा कैप्टन भीसी का बढ़िया चॉइस है जे अनुराज ई एपल टोम ये तीन को आप ड्रॉप नहीं कर सकते एस प्रसाद देखो ये पार्ट टाइम गेंदबाज है लेकिन अक्सर पिटाई पड़ेगा करेगा साथ ही बल्लेबाजी भी इनको आता है ए वेणुगोपाल यहाँ से मैं पिक किया हूँ इनके अलावा ए रमेश यहाँ से के सागर मोहन को यहाँ से पिक करना चाहिए वी भर्गेज गोकुल गोपीनाथ देखो गोकुल गोपीनाथ को थोड़ा कम ही ओवर मिल रहा है हालांकि डेथ में डाल रहा है लेकिन कम मिल रहा है तो यहाँ से इनको ट्राई नहीं करेंगे एन एम खेलेगा तो जरूर पिक करेंगे एस पी गिरीश को यहाँ से पिक करेंगे ऐसे बड़े मुकाबले में ये वर्क करना चाहिए कि सागर मोहन को यहाँ से मैं पिक करूँगा टीम देखोगे काफ़ी मैं गेंदबाज और ऑलराउंडर के ऊपर गया हूँ हमारा फिलहाल के लिए ये टीम है इसमें एक दो चेंज आपको देखने को ज़रूर मिलेगा लेकिन वो चेंजेस लाइनअप के बाद टॉस अपडेट आने के बाद कैप्टन बी हमारा कौन है जय अनुराग को लोगों ने कैप्टन बनाया लेकिन हमारा कैप्टन होने वाला ई ए, ए पल्टोम और बी हमारा विनोद कुमार दोनों को दोनों एक बढ़िया ऑलराउंडर है गेंदबाजी चार ओवर करना चाहिए साथ में बल्लेबाजी भी दोनों का आता है तो मेरे भाई फिलहाल के लिए वीडियो के यहीं समाप्त करता हूँ आशा करता हूँ भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट अच्छा जाए आप लोग भी भगवान से यही दुआ करो या मुकाबला हम लोगों के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो